जो आज 25 तारीख है, इस लेसन नंबर प्रत्यास्था का पार्ट नंबर 3 चल रहा है। पार्ट नंबर 3 में आपको ये क्या है, इसके अंदर ये डेरिवेशन है, दो दृढ़ आधार के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने में तार में उत्पन्न तनाव, जो बल होता है वो तनाव के रूप में होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें दो दृढ़ आधारों से बीच कसा हम एक तार को ठंडा करते हैं तो तार की लंबाई सुकड़ जाती है। और जब ठंडा करेंगे गर्म तार को तो तार की लंबाई सुकड़ जाएगी, जिससे आधारों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बल कहते हैं। माना तार की जो लंबाई है वो L है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y तथा ताप गुणांक अल्फा है। तो माना तार के ताप में जो कमी है वो डेल्टा टी की है और लंबाई में जो वृद्धि हुई वो डेल्टा एल की होगी। तो तार का ताप गुणांक होता है अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। तो अब ये जो हमने फॉर्मूला लिख दिया, ताप गुणांक का फॉर्मूला है, इसके सामने ये डायग्राम बनाया है। ये दृढ़ आधार है, दो दृढ़ आधार के बीच हमने फिक्स कर दिया इसको, इसकी लंबाई L है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y है। तो जब उसको हम ठंडा करते हैं तो उसका ताप गुणांक अल्फा डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T होता है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, डेल्टा R और L को एक साथ कर देते हैं, तो बाकी अल्फा T एक तरफ है। डेल्टा L अपॉन L हम जानते हैं, या क्या है, ये विकृति है, लंबाई के अनुदिश विकृति। इसका मान कितना है, अल्फा डेल्टा T है। अब इसमें हमने विकृति तो निकाल ली, अब हम ये जानते हैं कि प्रतिबल जो होती है यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति के बराबर होता है, और विकृति का मान अभी हमने निकाला है अल्फा डेल्टा टी। तो ये वाली विकृति का मान यहाँ रख देंगे। प्रतिबल का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एफ अपॉन ए। तो अब हमने ए की जो वैल्यू नीचे आ रही है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो है बराबर क्या होता है, वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसे ही तनाव बल कहते हैं। ये हमने तनाव का व्यंजक ज्ञात कर दिया। जब हम तार को दो दृढ़ आधारों के बीच कसते हैं तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है, जिसे तनाव बल कहते हैं। तो हमने ये इसका डेरिवेशन बना दिया है। अब इसका जो दूसरा डेरिवेशन है इसे आप याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब इसका जो दूसरा डेरिवेशन है वो भी आप समझ लीजिए। एक तार की प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा का व्यंजक, तार की प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा का व्यंजक। अब ये क्या होता है, जब तार को हम खींचते हैं तो अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित होता रहता है, इसे ही प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तुमने क्या बताया, जब किसी तार को खींचते हैं तो अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यह प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसे ही प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा कहते हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए हमें मानना पड़ता है। अब हम मानते हैं, माना तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है और तार की लंबाई के अनुदिश जो बल है वो हम F लगाते हैं। तो हमने ये कंसीडर की हैं, माना है इनको हमने, क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट ऊपर दिया है, फिजिक्स जो इसकी फिजिक्स लिखी है उसको हमें प्रूव करना है, तो हमें पहले मानना पड़ता है। पहले हमने इनकी लंबाई मान ली, तार की लंबाई इतनी, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, तार की लंबाई के अनुदिश जो बल है वो F लगाते हैं। बल F लगाएंगे तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो हमने बताया बल F लगाते हैं तो तार की लंबाई में वृद्धि X होती है, अगर हम बल F लगाया। ये पेज नंबर दूसरा चल गया आपका। अनुदैर्ध्य जब लंबाई के अनुदिशित होता है तो वो कौन सा प्रतिबल होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, F बटे A। और इसके जब अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है तो इसके संगत कौन सी विकृति होगी, अनुदैर्ध्य विकृति होगी। अनुदैर्ध्य विकृति का क्या होता है, एक्स अपॉन एल लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो जब हमें ये दोनों पता होते हैं इसके साथ कौन सा हो सकता है, अगर अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है, अनुदैर्ध्य विकृति होती है, तो इसके साथ जो संगत भी दोनों की सहायता से बनता है उसे कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक दोनों का अनुपात होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी होगी, f अपॉन a l अपॉन x। अब हमें जो हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकाला है इससे हम बल निकालेंगे, जो आवश्यक बल हम तार को खींचने में लगाते हैं।
तो आवश्यक बल F बराबर इसका ट्रांसफर कर दिया इस साइड में, जो नीचे की संख्या ऊपर चलेगी ऊपर वाली नीचे आएगी, तो F इज टू कितना हुआ वाई ए एक्स अपॉन एल, ये समीकरण एक मान ली। जब हम तार को खींचते हैं तो क्या होता है कार्य होता है, और डी डब्ल्यू कार्य बराबर क्या होता है एफ इंटू डी एक्स। एफ का मान अभी हमने आपके सामने निकाला ही है, तो F की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ रख देंगे समी तो लिखेंगे समीकरण नंबर एक और दो से, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे हमें टोटल वर्क निकालने के, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों का समाकलन लिमिट के साथ करने पर समाकलन जीरो टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू वाई ए एल कॉन्स्टेंट है जीरो टू एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब हमने क्या कहा, जब हमने बल नहीं लगाया तो लंबाई वृद्धि कितनी हुई जीरो, तो कार्य कितना हुआ जीरो। जब हमने एफ बल लगाया तो लंबाई वृद्धि कितनी होगी एल, तो कार्य कितना हुआ डब्लू, ये इसकी लिमिट है। अब हम ये देखते हैं डी डब्ल्यू का इंटीग्रल होता है डब्लू, लिमिट ऐसे लगा देंगे वाई ए एल कॉन्स्टेंट ऐसे लिख देंगे, और एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, इसका फॉर्मूला कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, और लिमिट जीरो टू एल हो जाती है। अब जो इसमें हमारी वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर करते हैं, अपर लिमिट पॉजिटिव लोअर लिमिट नेगेटिव, ऐसे इधर लगाएंगे डब्लू माइनस जीरो वन बाई टू वाई ए अपॉन एल एल स्क्वायर माइनस जीरो। अब जीरो को हट जाएगा तो डब्ल्यू इजकल टू के कितना हो जाएगा डब्ल्यू इजकल टू हो गया वन बाई टू वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल जूल। ये हमारा कार्य आ गया, जो कार्य है किसमें परिवर्तित हो गया ऊर्जा में, तो इसे ऊर्जा क्या फॉर्मूला होता है यू इजकल टू डब्ल्यू, इसे यू के बराबर कहते हैं वन बाई टू वाई वाई एल अपॉन एल ए एल इंटू एल अपॉन एल वन बाई टू वाई वाई एल अपॉन एल, ये क्या हो गया प्रतिबल, ए एल क्या हो गया हमारा आयतन, एल अपॉन एल क्या होगी विकृति, तो यू बराबर वन बाई टू प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। हम जानते हैं प्रतिबल का मान होता है वाई ए एस, क्या होता है प्रतिबल का मान वाई एस, इस वाई एस की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई टू वाई एस स्क्वायर, एस एस ऑलरेडी था एक एस और एस स्क्वायर हो गया, तो यदि एकांक आयतन हो वी का मान एक रख दिया तो यू का मान वन बाई टू वाई ए वाई इंटू एस स्क्वायर। ये डेरिवेशन है, इसे एग्जाम होगा तब आएगा, टेस्ट होगा तो उसमें भी आएगा, टेस्टों में भी आएगा, एग्जामों में इसे ज़रूर तैयार करना है, ये एग्ज़ाम में रखा मिलेगा और ये आपको तर्क करना अनिवार्य है। जब भी एग्ज़ाम देने जाएं या टेस्ट देने जाएं तो इसे याद करके ही जाएं, बिना याद करे ना जाएं, क्योंकि ये रखा मिलेगा एग्ज़ाम में, और मैंने इतनी अच्छी तरह शॉर्ट में कराया है जिससे आपको पक्का याद हो जाएगा। ओके।